जब हम छोट बहुत बचपन बचपन अस्सलाम वालेकुम भाई। वैसे कि आज जुम्मे का दिन है, सब भाइयों को जुम्मा मुबारक। और मेरे साथ आज मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बचपन के भाई हैं मेरे, बचपन के दोस्त हैं। आज मैं उनके साथ ज़रा व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। वो एयरफोर्स में होते हैं अभी, तकरीबन उनको कुछ अरसा ही हुआ है यहाँ पे, इस्लामाबाद उनकी ट्रांसफ़र हुई है। इससे पहले वो कराची हुआ करते थे। और आज का व्लॉग बनाने का एक तो ये मकसद था कि इनसे मुलाकात, और दूसरा ये भी है कि आज हो सकता है मैं इस्लामाबाद जाऊँ। दो तीन दिन का मेरा वहाँ पर टूर है, इंशाल्लाह वहाँ पर जाकर मज़ीद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे कि इन भाई के बारे में अपना तारुफ़, मैं इनका तारुफ़ ऐसे करवाऊँगा कि एक तो बचपन के दोस्त हैं, नंबर दो कि ये हमारे मोहल्लेदार भी हैं, नंबर तीन ये कि एयरफोर्स में होते हैं। ठीक है, हमारा मतलब मेरे चंद करीबी दोस्तों में से ऐसे हैं कि जो काम करते हैं, मतलब वरना बहुत से वेले भी हैं, छड़े भी हैं, लेकिन ये काम कार्ज वाले हैं। और ये ऐसे हैं कि कभी कभी आते तो नहीं मिलते, जाते हुए फिर हमें फ़ोन मिला देते हैं, और क्या नाम है, फिर अगली बार राज़ी करने के लिए आते हैं, और रात को फिर क्या मैसेज करते हैं और सुबह क्या मैसेज करते हैं। तो ये जो है ना, अभी मुझसे मतलब अभी मेरे साथ आएंगे तो आपको दिखाते हैं, ये वीडियो को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक कीजिए भाई। तो ये है हमारे साथ अभी जिब्रान भाई, आपको बताएंगे अपनी और मेरी दोस्ती के बारे में, और ये एयरफोर्स में होते हैं। आप दुआ करें इन सब भाई इनके लिए, दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको ज़्यादा तरक्की दे और इनको जल्दी जल्दी जो है ना अच्छे अहदे पर पहुँचाए एयरफोर्स के अंदर। तो भाई आप हमें या हमारे जो फैंस हैं जो देख रहे हैं वीडियोज़, उनको अपने और मेरे बचपन के बारे में कुछ बताएं कि हमारी दोस्ती कैसी रह चुकी है। तो ये सुनते जाइए इन भाई के मुंह से। अस्सलाम वालेकुम, सब भाइयों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारा चैनल देखते हैं। तो आपको मैं अपनी और तल्ला की दोस्ती के बारे में बताऊंगा कि हम बचपन से दोस्त हैं बहुत अच्छे, और हमारी दोस्ती ऐसी है जैसे एक भाइयों की होती है। तो भाइयों से भी मतलब वो बंदा शेयर नहीं करता जो एक दोस्तों से करता है, और मेरी तल्ला की और ऐसी दोस्ती है। तो यही कहूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें, थैंक यू। आज का दिन ऐसा है कि मेरा ज़्यादातर जो है इन भाई के साथ ही गुजरेगा। ठीक है, तो ऐसे है कि इनके साथ जो जो भी हमारे आज का दिन गुजरेगा, जहाँ जहाँ पे हम जाएंगे, चाहे चाय पीने जाते हैं, चाहे खाना खाने जाते हैं, क्योंकि ये भाई आए हुए हैं तो इनके पास तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा है इस दफ़ा। तो ये आज अपनी तनख्वाह से जो है हमें खिलाएँगे पिलाएँगे, और अगर ना खिलाए पिलाए तो व्लॉग तो बन ही रहा है, वो तो टेंशन ही नहीं है, मतलब वो तो फिर आप सबके सामने आ जाएगा, लेकिन ये इनकार नहीं करने वाले, मुझे अच्छे से पता है। तो ऐसे है कि इंशाल्लाह साथ रहिएगा हमारे। तो ये है कि हम खाएंगे पिएंगे और जो भी बात होगी आपको दिखाएंगे, और इंशाल्लाह ऐसे है कि मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के भेजते, मतलब आपके लिए डालते रहेंगे यूट्यूब पे। और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ आपकी अच्छी दोस्ती है, यारी है, तो आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोज़ के साथ बनकर यहाँ पे हमारे चैनल पे चले, तो आप हमें उसका कोई भी क्लिप भेज सकते हैं, हम वो क्लिप जो है आपका वीडियो के एंड पे ऐड कर देंगे, ताकि जो है आपको अपने दोस्त की और आपकी वीडियो हमारे चैनल पे मिल सके, और दुनिया वाले भी देख सके कि आपका वो दोस्त आपके लिए कितना मायने रखता है। तो बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई, वैसे है कि आज हफ्ते का दिन है, कल के दिन का व्लॉग मैंने बनाया लेकिन अभी तक अपलोड नहीं किया, अभी दिन का टाइम है, मैं अभी जागा हूँ। तो आया हूँ यहाँ पे जिब्रान भाई के पास, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप आ जाएं मेरे कज़न की दुकान पे। तो इनके कज़न ने यहाँ पे हमारे मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान बनाई है, सिर्फ अभी इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको तरक्की दे, हमारी दुआ है कि इस दुकान को जल्द अज़ जल्द वसी कर सके। तो पीछे हमारे साथ बैठे हैं नोमी भाई, वो जिब्रान भाई के कज़न है और मेरे भी अच्छे दोस्त हैं, हमारे मोहल्लेदार भी हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा चले आजकल जो है ऐसे कि मोहल्ले के लोगों को भी ब्लॉग में लेकर आते हैं, ताकि जो है ना ये लोग हमारे साथ हमें सपोर्ट कर सके, क्योंकि इनकी काफ़ी हमारे साथ सपोर्ट है हर तरीके से, हर लिहाज से, आम मतलब ज़िंदगी में भी, और अगर YouTube के हवाले से देखा जाए या हर जगह पर भी। तो ऐसे है कि यहाँ पर हम दुकान पर बैठे हैं, तो मैं अपना ब्लॉग कम्प्लीट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो अभी ऐसे के साथ साथ गाहक भी आ रहे हैं, तो कल का ब्लॉग तो हम लोग गए थे होटल वगैरह पर। तो ऐसे भाइयों के हम अपना व्लॉग कंप्लीट करना चाह रहे थे कल, लेकिन हमारा कुछ ऐसे मसला बन गया कि एक तो मेरे पास मोबाइल की चार्जिंग नहीं थी, अभी मैं ऐसे कि मोबाइल पे अपना व्लॉग वगैरह बनाता हूँ, ठीक है, मोबाइल की चार्जिंग नहीं थी, इस वजह से मैं मोबाइल पे व्लॉग नहीं बना सका। और हम लोग जहाँ पर गए हुए थे वो शहर से काफ़ी दूर जगह थी, तो वहाँ से आते हुए भी हमें टाइम लग गया। तो ऐसे कि अभी व्लॉग जो कल वाला है उसको भी और ये वाला ऐड करके इसको कम्प्लीट करेंगे। तो भैया थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनानी थी, मैंने कहा था आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करूँगा। तो यार ऐसे कि
कल तैयब उर्दोगान आए हुए थे, तुर्की की वजीर, तुर्की के सदर जो थे तो वो आए हुए थे, तो काफ़ी अच्छा माहौल रहा है कल पाकिस्तान के अंदर। ऐसे है कि उन्होंने भी कई अच्छे फैसले किए हैं, पाकिस्तान के हक में फैसले किए हैं। दो तरफा नेशनैलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेप है पाकिस्तान अगर, और पाकिस्तान और तुर्की जो है ये कर लेते हैं, तो पाकिस्तान ने भी उनके मतलब इस दो तरफा स्टेप की वजह से, मतलब दो तरफा क्या नाम है नेशनैलिटी की बदौलत पाकिस्तान ने ये कहा कि हम इसके बदले में आप लोगों को प्रोटेक्शन वगैरह या क्या नाम है दिफा के मामले में आप लोग के साथ तआवुन करेंगे। तो ये अच्छा एक है कि नैरेटिव के अगर पाकिस्तानी अवाम और तुर्की की अवाम एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखते हैं दिल में, तो वो उसको आगे लेकर जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह बाकी मुसलमान ममालिक जितने भी हैं वो भी इसी तरह करें कि आपस में मिल बैठ कर अपने जितने भी मसले मसाइल उनको हल करके, और एक ऐसा मतलब एक अपने लिए एक आप मिसाल लोगों के लिए कायम कर दें कि यार हम लोग डे वन से एक थे और अब तक एक हैं। कोई इस तरह की बीच में कोई बात नहीं होनी चाहिए कि जनाब फलां ऐसे कर रहा है फलां वैसे कर रहा है। देखिए मुसलमानों के बीच में जितने भी तजाद आज तक पैदा हुए हैं तो वो मुसलमानों की अपनी ज़ात की वजह से नहीं है, किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो तीसरे की इन्वॉल्वमेंट लाजमी सी बात है, वो तो गलती है। अल्लाह ताला भी एक बात कहते हैं कि मतलब अल्लाह भी इस चीज़ को पसंद करते हैं कि मैं एक हूँ, ठीक है, तो मैं एक हूँ तो दूसरा कोई भी मेरा शरीक नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल वाज़े है, ठीक है। इसी तरह मुसलमानों के लिए भी एक बात होनी चाहिए कि हम लोग एक हैं। इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि वो फलां मसलक क्या है फलां मसलक क्या है फलां मसलक क्या है। मैं समझता हूँ ये सब बेकार चीज़ें हैं, बेकार बातें हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम लोग जितना भी अपनी तरफ से कॉपरेट कर सकें, अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें, हमें करना चाहिए, और साथ में मुसलमानों के लिए जितना ज़्यादा हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो ये बात ऐसे कि आप लोग के पास कोई ऐसा मैसेज है कि जो आप देना चाहते हैं हम लोग को, तो वो आप दे सकते हैं हमें मैसेज, ताकि वो जो है ना मैसेज हम लोग अपनी वीडियोज़ में ऐड कर सकें, और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो वगैरह हुई तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो हमारी वीडियोज़ देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, और हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया।